हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दोस्तों, सूरत से जानती हुई ये चीज है जरी वर्क, जो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कपड़ों पे यूज होने वाली जो चीज है। आज हमने कुछ अलग तरीके से देखा है। हम एक अनोखे व्यक्ति से मिले हैं, विपुल भाई जरीवाला, जो आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर और एक इंटीरियर डिजाइनर है, जिन्होंने ये कला को लॉकडाउन के समय पे चालू किया था। इन्होंने जरी के बेस के ऊपर एक क्राफ्ट खड़ी की है जो लोगों के पोर्ट्रेट तक बनाए जाते हैं। तो आज हम आपको मिलाते हैं विपुल भाई जरीवाला और उनकी कुछ बनाई हुई चीजों से हम आपको वाकिफ कराते हैं। मेरा नाम विपुल जेपी वाला है। आप जो देख रहे हैं ये मोदी जी का मैंने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। इसमें अभी ये प्रोसेस चल रहा है, जो मैंने उसको ड्रॉ किया है तो कौन सा पार्ट काट कटिंग करना है, और वो कट करने के बाद उसमें मैं वो फिलअप जरी करूँगा, और जरी करने के बाद वो पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट होगा। तो आप जो देख रहे हैं अभी उसका जो पार्ट कट हो रहा है जिसमें जरी फिलअप कर रहा है। इसके आर्ट के बारे में बताओ तो मतलब जो भी मुझे पोर्ट्रेट बनाना है कि जो भी पिक्चर बनाना है, पहले हम उसको प्रिसाइसली ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या है कि ये प्लस माइनस जो पार्ट होता है, जो पार्ट कट करना है वो पार्ट को हम क्या है कि कटर से कट करते हैं। कट करने के बाद जो पार्ट में हमें जो जैसे जरी फिलअप करना है वो पार्ट में हम जरी फिलअप करते हैं। अभी जो ये आप प्रोसेस देख रहे हैं ये पूरा अभी ड्रॉ हो गया है। अभी इसमें ड्रॉ आप देख रहे हैं, जो भी पार्ट कट करना है उसमें से ये कट हो जाएगा। अभी इस हिसाब से ये कट हो रहा है, अभी ये मोदी जी का पोर्ट्रेट बन रहा है। ये कट होने के बाद उसके बैकग्राउंड में पूरा जरी का आर्ट वर्क होगा। जरी का आर्ट वर्क होगा तो फिर उसका क्या है कम्प्लीट होगा। ये करने में करीबन 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। फर्स्ट उसको पूरा डिजाइनिंग करना पड़ता है, डिजाइन करने के बाद उसको कट करना पड़ता है और प्रिसाइसली डिजाइन करना पड़ता है कौन सा पार्ट कट करना है, कौन सा पार्ट दिखाना है, कौन सा पार्ट को हाईलाइट करना है। वो जो हाईलाइट का पार्ट करना है उसमें हम जरी का फिलअप करके पूरा आर्टवर्क देते हैं। तो सर, अपने ऑडियंस को बताना चाहे कि जरी वर्क बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा, तो सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? हाँ, प्रोसेस के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा इसको पहले पूरा ड्रॉ करना पड़ता है। ये पूरा ड्रॉ करने के बाद जैसे आप जो पार्ट देख रहे हैं इसमें ये जो पार्ट है उसको कट करना रहता है। मैं आपको कटिंग किया हुआ पार्ट दिखाता हूँ। ये जैसे ड्रॉ हो गया, इसके बाद ये कटिंग हो गया। ये कटिंग जो पोर्शन हुआ है, कटिंग पोर्शन है, इसके पीछे हम पूरा का जरी का आर्टवर्क बनाते हैं। जरी का आर्टवर्क जैसे बनाते ही उसका हमने पहले से ये सीट पूरा कंप्लीट जरी लगा के बना के रखा है, तो उसको हम पूरा पीछे बैकग्राउंड में लगा के उसको पूरा ऐसे जरी का आर्ट पूरा कंप्लीट होता है। ये जैसे कट हुआ पार्ट है उसमें से आपको जरी पूरा दिखेगा, तो ये जरी का पूरा ऐसे आर्टवर्क तैयार होता है। ये आप जो देख रहे हैं, जो मैंने मोदी जी का पोर्ट्रेट बनाया है, ये पूरा जरी गोल्डन जरी में से बना हुआ है। पूरा कंप्लीट होने के बाद ऐसा दिख रहा है। ऐसे आप सिल्वर जरी में से भी बनवा सकते हो मेरे से, और ये दूसरा आप देख रहे हैं ये पूरा डायमंड में से बना है। ये डायमंड में से भी अपने साइज के अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हो। इसमें भी आप अपना साइज के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनवा सकते हो। और ये पूरा ये डायमंड का है, ये भी अपने ये सिंथेटिक डायमंड है, इसमें जो सीवीडी में बना था रियल डायमंड में भी मैं बना के आपको दे सकता हूँ। आपकी कस्टमाइज साइज के हिसाब से बन सकता है। विपुल भाई, आपका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे ऑडियंस को बता दीजिए सो दैट वो आपको कॉन्टेक्ट कर सके। हाँ, मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9825770527। ये नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो।